हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? सो वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑन आवर वीडियो सीरीज ऑन आर्डिनो ट्यूटोरियल। आज हम बात करेंगे आर्डिनो के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि आर्डिनो होता क्या है। एक्चुअली आर्डिनो एक सिंगल बोर्ड माइक्रो कंट्रोलर होता है, जिसे हम छोटे से कंप्यूटर की तरह विजुअलाइज कर सकते हैं, जिसे प्रोग्राम किया जाता है, जिसमें इनपुट दे सकते हैं, उसके थ्रू आउटपुट भी ले सकते हैं। आर्डिनो बेसिकली बहुत बहुत से टाइप्स के होते हैं। इसमें से कुछ टाइप्स हैं आर्डिनो ऊनो, आर्डिनो मिनी, आर्डिनो मेगा, और भी बहुत सारे टाइप्स के आर्डिनो होते हैं। हम जिस आर्डिनो को यूज करेंगे और जिस आर्डिनो के बारे में आगे जानेंगे, वो आर्डिनो ऊनो है। उसका एक पिक्चर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं अभी। इसके बेसिक कंपोनेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये जो आईसी आप देख रहे हैं, ये आईसी इस आर्डिनो का माइक्रो प्रोसेसर है। इसका नाम है एटमेल AVR माइक्रो प्रोसेसर। उसके बाद ये इस टॉप कॉर्नर पे जो आप यूएसबी पोर्ट देख रहे हैं, इस यूएसबी पोर्ट का यूज होता है आर्डिनो को पीसी से कनेक्ट करने के लिए। जब भी हम आर्डिनो में प्रोग्राम अपलोड करते हैं, तो उसको पीसी के थ्रू अपलोड करते हैं, और पीसी के थ्रू अपलोड करने के लिए हम यूएसबी पोर्ट से के थ्रू उसको पीसी से कनेक्ट करते हैं। इनपुट्स की बात करें तो इनपुट्स दो टाइप्स के होते हैं, डिजिटल इनपुट्स और एनालॉग इनपुट्स। डिजिटल इनपुट्स 0 और 1 होते हैं। तो डिजिटल इनपुट्स के लिए हमारे पास 14 पिन्स हैं, 0 से लेके 13 तक ये नंबर्ड होती हैं। यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं ये पिन्स। नीचे 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 आप देखें तो एनालॉग इनपुट्स के लिए 6 पिन दी गई है, A0 से लेकर A5 तक। पावर सप्लाई के लिए भी कुछ पिन्स दी गई हैं, Vin, ग्राउंड, 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट। पावर सप्लाई पिन्स का यूज़ तब आता है जब हम सर्किट का डिज़ाइन करते हैं ब्रेडबोर्ड पर, और ब्रेडबोर्ड को पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है, तो हम आर्डिनो के थ्रू उसको पावर सप्लाई देते हैं, तब हम पावर सप्लाई पिंस का यूज करते हैं। इधर आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, ये पोर्ट एक्सटर्नल पावर सोर्स से आर्डिनो को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। जब भी हम आर्डिनो को प्रोग्राम कर लेते हैं, हमारा सर्किट तैयार हो जाता है, तो हम उसको बैटरी के थ्रू पावर सोर्स दे के भी रन कर सकते हैं। बैटरी के थ्रू पावर सोर्स देने के लिए हम इस पोर्ट से बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं, और वो पावर सोर्स का काम करता है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रीसेट बटन है। इस रीसेट बटन का यूज़ हम प्रोग्राम्स को बीच में हॉल्ट करके उसको वापस से स्टार्ट से एग्जीक्यूट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि सपोज करिए आप किसी प्रोग्राम को रन कर रहे हैं आर्डिनो पर, तो आप चाहते हैं कि उसको बीच में हॉल्ट करके वापस से स्टार्ट से उसको रन किया जाए, तो उसके लिए रीसेट बटन का यूज होता है। तो ये कुछ बेसिक कंपोनेंट्स थी जो अभी फिलहाल हमें यूज में आएंगी जब हम आगे कुछ प्रोजेक्ट्स करेंगे। तो और इसमें और भी बाकी बहुत सारी फीचर्स हैं, जिसको हम जब आगे प्रोजेक्ट्स में उन फीचर्स का यूज आएगा, तब तो हम उसको एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे ब्रेडबोर्ड के बारे में। ब्रेडबोर्ड का मेन यूज हमें सर्किट कनेक्शन के लिए यूज में आता है। ये सर्किट्स के कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए, सर्किट को आर्डिनो के से कनेक्ट करने के लिए हम ब्रेडबोर्ड का यूज करते हैं। ब्रेडबोर्ड के कुछ कनेक्शंस के बारे में आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये जो रेड स्ट्रिप्स और ब्लू स्ट्रिप्स आप देख रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल कनेक्शंस का स्ट्रिप है। एक्चुअली इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रिप्स, 5 स्ट्रिप्स जो हैं हॉरिजॉन्टल, 5 स्ट्रिप्स आपस में कनेक्टेड हैं। और ये ब्लू में भी ये जो हॉरिजॉन्टल 5 स्ट्रिप्स नीचे हैं, ये आपस में कनेक्टेड है। इसमें वर्टिकली कोई कनेक्शन नहीं होता, मतलब ये दोनों स्ट्रिप्स आपस में कनेक्टेड नहीं है, लेकिन एक दूसरे से हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड है। ये बीच में यहाँ पर 5 स्ट्रिप के बाद ये एक ब्रेकेज है, इसको सर्किट ब्रेक कह सकते हैं। सर्किट में इसको कनेक्ट करने के लिए, कनेक्शन इसको देने के लिए आप वायर का यूज कर सकते हैं। नीचे देखा जाए तो ये जो वर्टिकल स्ट्रिप्स हैं, ये वर्टिकल स्ट्रिप्स आपस में कनेक्टेड होती हैं। तो जो भी कंपोनेंट होता है, हम करने एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए इन वर्टिकल स्ट्रिप्स का यूज करते हैं। और ये जो हॉरिजॉन्टल ये लाइन है, ये एक ब्रेकेज है। सर्किट ब्रेक मतलब कि ऊपर की वर्टिकल स्ट्रिप्स नीचे की वर्टिकल स्ट्रिप से कनेक्टेड नहीं होती हैं। नीचे भी उसी तरह जैसे ऊपर हमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स दिया गया था, वैसे ही नीचे भी ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स दी गई हैं। ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। बेसिकली हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स का यूज़ तब आता है जब हमें पावर सप्लाई या फिर ग्राउंड कनेक्शन देना रहता है सर्किट को। तो इसके बाद हम बात करेंगे जंपर वायर्स के बारे में। जंपर वायर्स हमें सर्किट के डिफरेंट कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज होता है, और या फिर हम उसे यूज कर सकते हैं ब्रेडबोर्ड को का कनेक्शन आर्डिनो से करने के लिए। बेसिकली
जम्पर वायर्स थ्री टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले ये राइट साइड में आप देख सकते हैं, ये फीमेल मेल टू मेल सॉरी मेल टू मेल जम्पर वायर है। यहाँ ऊपर में आप देख सकते हैं, ये मेल टू फीमेल जम्पर वायर है और ये फीमेल टू फीमेल जम्पर वायर है। इनका काम बेसिकली सर्किट के कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए, या फिर एज ए वायर हम यूज करते हैं। जैसा कनेक्शन वायर के थ्रू होता है, वैसे ही कनेक्शन जम्पर्स के वायर्स के भी थ्रू होता है, लेकिन जम्पर वायर के थ्रू ब्रेडबोर्ड्स में और आर्डिनो में कनेक्शन करना आसान होता है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। तो अब तक हमने आर्डिनो के बेसिक कंपोनेंट्स को समझा, उसके बाद ब्रेडबोर्ड के कनेक्शंस को जाना, और लास्ट में हमने जम्पर वायर्स को देखा। तो अब इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो से हम अपने आर्डिनो का प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। पहला प्रोजेक्ट हमारा ब्लिंकिंग ऑफ एलईडी होगा। उससे पहले हम आर्डिनो आईडी इंस्टॉल करना सीखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अभी तक अच्छा लगा तो शेयर दिस अमंग योर फ्रेंड्स, एंड रिमेंबर वन थिंग, डोंट लेट योर एजुकेशन सिस्टम लिमिट योर लर्निंग।